शिक्षक दिवस पर हिमाचल प्रदेश के 14 शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक अवार्ड से सम्मानित किया गया। राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस वर्ष राज्य स्तरीय शिक्षक अवार्ड के लिए प्रदेश भर से 40 आवेदन प्राप्त हुए थे। शिक्षा विभाग की राज्य स्तरीय कमेटी ने आवेदनों की जांच के बाद विभिन्न मापदंडों को ध्यान में रखते हुए 13 शिक्षकों के नाम अवार्ड के लिए फाइनल किए गए हैं। 13 शिक्षकों के नाम अवार्ड के लिए फाइनल किए हैं। एक नाम वीरवार को सुबह सूची में शामिल किया गया, यानी कुल 14 शिक्षकों को राज्यपाल ने स्टेट अवार्ड देकर सम्मानित किया। इस मौके पर 2 राष्ट्रीय सम्मान पा चुके शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। शिक्षक दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने बताया कि हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है और शिक्षा में गुणवत्ता लाने का प्रयास सरकार कर रही है। सरकारी स्कूलों का ढांचा मजबूत हो, इसके लिए और अधिक कार्य करने की ज़रूरत है। क्या बोले राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, सुने विस्तार से। देखिए, शिक्षक दिवस इस देश के महान शिक्षाविद रहे, राजनेता रहे आदरणीय सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। उन्होंने ही अपने समय में ये कहा कि मेरा जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। मैं समझता हूं कि भारतीय संस्कृति और भारतीय सनातन को अगर सही अर्थों में राजनीति में समझना है तो डॉक्टर राधाकृष्णन जी के कार्यों को, उनके समय को, उनके शिक्षा के रूप में समझा जा सकता है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी सम्मान समारोह में मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि हिमाचल में शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। शिक्षकों की भर्ती करने के अलावा कम बच्चों वाले स्कूल बंद किए हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का क्या कहना है, सुनिए। समस्त प्रदेशवासियों को और विशेषकर जो हमारे शिक्षक हैं, उनको शिक्षक दिवस पर उनको हार्दिक बधाई देता हूं। और आज के अवसर पर हमारे जो राष्ट्र के दूसरे राष्ट्रपति रहे, जिनकी जयंती पर ये आपका शिक्षक दिवस मनाया जाता है, उनको भी अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। और अगर हम प्रदेश की बात कहें, जैसे आप बता रहे थे, आज वर्तमान में जो हमारी सरकार है कई बातों को लेकर सजग है। और विशेष रूप से जो मैं समझता हूँ गत वर्षों में कुछ कमियाँ भी, अगर हम सरकारी क्षेत्र की बात करें, उनको प्राथमिकता के आधार पर आने वाले समय में किस तरह से इनका हल निकाला जा सके, जैसे उदाहरण के तौर पर एक निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र की भी जो एक गहरी खाई बनती जा रही है, उस अंतर को खत्म करने के लिए उदाहरण के तौर पर जैसे हमने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल्स एक, मैं समझता हूँ, पूरे हिमाचल प्रदेश में चलाने का एक फैसला लिया है, जिसके प्रथम चरण में लगभग कोई 18 स्थल चिन्हित किए गए हैं। ये सारी बातें हैं, आने वाले समय में जो रिक्त पड़े स्थल है चरणबद्ध तरीके से इनको भरा जाए। और उधर सम्मान पाने वाले शिक्षकों ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि एक शिक्षक के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है कि उसको उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मान मिले। उन्होंने स्कूलों में बच्चों के साथ जुड़कर शिक्षा को आगे बढ़ाने के साथ साथ कोरोना काल में लोगों को जागरूक भी किया। मेरा नाम नरेश शर्मा है, मैं मुख्य शिक्षक के रूप में राजकीय प्राथमिक पाठशाला गिरथेड़ी खंड व जिला हमीरपुर में कार्यरत हूँ। बहुत अच्छा लगता है, कभी सोचा नहीं था। पिछले 24 वर्ष से मैं शिक्षा विभाग के लिए अपनी सेवाएं दे रहा हूँ और प्राथमिक शिक्षा से जुड़े रहना मेरे लिए बड़े ही गौरव की बात रही है। शिव कुमार, जिला ऊना से हूँ, राजकीय प्राथमिक पाठशाला ककराना। और आज रियली ये बहुत बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा उत्साहवर्धक है। इससे और ज़्यादा काम करने की एक तो जिम्मेदारी मिलेगी और दूसरा प्रेरणा भी मिलेगी। जब किसी भी शिक्षक को सम्मानित किया जाता है तो उसे आगे और आगे बढ़कर काम करने का एक नई ऊर्जा जो है वो महसूस होती है और मिलती है। मेरा नाम प्रदीप कुमार, मैं राजकीय प्राथमिक पाठशाला सलाह में कार्यरत हूँ। और मैं सर्वप्रथम अपने गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश सरकार का धन्यवाद करता हूँ, विभाग का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे कार्यों को सराहा और लायक समझा और मुझे चयनित किया राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए। मैं आई एम रियली थैंकफुल टू यू, टू द गवर्नमेंट एंड माय डिपार्टमेंट। हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।